हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड की टॉप 5 2022 में रिलीज हुई भयानक हॉरर मूवीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड की 2022 में रिलीज हुई बहुत ही डरावनी और बहुत ही खतरनाक हॉरर मूवीज़ के बारे में और उनकी रिलीज डेट के बारे में और उनकी IMDb रेटिंग के बारे में। दोस्तों आपने अब तक हॉरर मूवी तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अगर आपने 2022 में रिलीज हुई इन हॉरर मूवियों को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ 2022 में रिलीज हुई हॉलीवुड की टॉप 5 हॉरर मूवीज के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 5 पर है टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। ये मूवी रिलीज हुई है 2022 में और इसकी IMDb रेटिंग है 4.7 और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है लेदरफेस और वो एक भयानक राक्षस होता है, क्योंकि उसे अकेले में रात के वक्त जो भी आदमी जिंदा नजर आता है वो उसे काट देता है और वो अपने पास हर वक्त एक आरी रखता है और वो आदमी की खाल काट कर उसका एक मास्क बनाता है और उसे पहन लेता है। और फिर कुछ लोग उस टाउन में रहने के लिए आते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ रात को क्या होता है और वो वहाँ रात के वक्त घूमने लगते हैं। और जब उनका सामना लेदरफेस से होता है तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। दोस्तों ये मूवी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और इस मूवी में भर भर के खून खराबा दिखाया गया है। तो अब देखना ये है कि क्या वो लेदरफेस यानी वो राक्षस उन लोगों को मार डालेगा या वो लोग उसके हाथों से बच जाएंगे और वो आदमी राक्षस कैसे बना, ये सब हमें इस मूवी को देख कर ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 5 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 4 पर है मैन। ये मूवी भी रिलीज हुई है 2022 में और इसके IMDb रेटिंग है 6.1 और ये मूवी एक हॉरर ड्रामा मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है हापा मेलोई और उसके हस्बैंड की हाल ही में डेथ हो जाती है और वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उस जगह को छोड़कर एक नई जगह पर शिफ्ट हो जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड और अपनी पुरानी यादों को भूल जाए। और मेलोवी जिस जगह पर शिफ्ट होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन होता है और वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेलोवी के साथ वहाँ उस जगह पर हॉरर एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है और उसे अपना मरा हुआ पति भी जिंदा नजर आने लगता है। और इतना ही नहीं, उसे अपने गार्डन में हर वक्त कोई ना कोई खड़ा हुआ नजर आने लगता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही खतरनाक है और इस मूवी में सस्पेंस भर भर के दिखाया गया है। तो अब देखना ये है कि क्या मेलोवी को वहाँ सच में भूतिया चीजें नजर आ रही हैं या वो अपने हस्बैंड की मौत के गम में पागल हो चुकी है और उस गार्डन का क्या राज है, ये सब आपको इस मूवी को देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 4 मूवी और ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 3 पर है हैचिंग। ये मूवी रिलीज हुई है 2022 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 और ये मूवी एक हॉरर बॉडी मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जिनकी दो लड़कियां होती हैं जिनमें एक का नाम होता है एली और दूसरी का नाम होता है स्टेला। और एली अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं होती क्योंकि एली के पेरेंट्स एली के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते और इसीलिए एली अपने घर में चुपचाप अकेली रहती है। और कुछ दिनों के बाद जब एली अपने स्कूल से आ रही होती है तो उसे वहाँ एक एग यानी एक अंडा पड़ा हुआ नजर आता है और वो उस अंडे को लेकर अपने घर ले आती है और किसी को भी नहीं बताती और उसे छुपा देती है। और जब वो रात को सो जाती है तो सुबह में वो अंडा बहुत बड़ा हो जाता है और अगले दिन उससे भी बड़ा। और जब वो एग हैच होता है यानी टूटता है तो उसके अंदर से जो निकलता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये मूवी बहुत ही खतरनाक है और इस मूवी में हॉरर इफेक्ट भरे पड़े हैं। ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो अब देखना ये है कि उस अंडे के अंदर क्या था और क्या उसकी मिस्ट्री है और क्या वो चीज एली और एली की फैमिली को मार डालेगी या वो ऐसा नहीं करेगी, ये सब हमें इस मूवी को देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 3 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 2 पर है एक्स। ये मूवी भी रिलीज हुई है 2022 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये मूवी भी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो छुट्टियां मनाने के लिए एक जंगल के बीचों बीच एंजॉय करने के लिए जाते हैं और वो वहां पर एक रूम रेंट पे ले लेते हैं
जहां वो शिफ्ट होते हैं और वहां पर एक ओल्ड वुमेन यानी एक बूढ़ी औरत का भी घर होता है और वो उस घर में बिल्कुल अकेली रहती है और वो किसी से भी बात नहीं करती और जो लोग वहां एंजॉय करने के लिए जाते हैं वो उस बूढ़ी औरत पर गौर नहीं करते और अपना हॉलीडे एंजॉय करते हैं। और जैसे जैसे वो लोग वहां रहने लगते हैं तो उनके साथ वहां ऐसी ऐसी हॉरर एक्टिविटी होती है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और एक दिन जब वो लोग रात को सो रहे होते हैं तो वो बूढ़ी औरत उन्हें अपने घर में खड़ी हुई नजर आती है और वो उस औरत को देखते ही शोर मचा देते हैं, लेकिन तभी वो ओल्ड वुमेन वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों ये मूवी पूरी जंगल में है और इस मूवी में हॉरर सस्पेंस भर भर के दिखाया गया है। इस मूवी को आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो अब देखना ये है कि क्या वो लोग वहां से जिंदा बच पाएंगे या वो उस बूढ़ी औरत के हाथों मारे जाएंगे और उस औरत का आखिर क्या राज है, ये सब हमें इस मूवी को देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 2 मूवी और ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 1 पर है द ब्लैक फोन। ये मूवी भी रिलीज हुई है 2022 में और इसके IMDb रेटिंग है 6.9 और ये मूवी भी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के और एक लड़की से जो आपस में भाई बहन होते हैं और उस लड़की का नाम होता है ग्विन और उसके भाई का नाम होता है फिनी और वो दोनों नॉर्मली अपनी लाइफ जीते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन एक दिन उनके टाउन से एक लड़का गायब हो जाता है और बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलता और कुछ दिनों के बाद एक और लड़का उनके टाउन से गायब हो जाता है और फिर एक और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और एक दिन जब फिनी अपने स्कूल से आ रहा होता है तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है और उस आदमी के पास एक वैन भी होती है और वो आदमी फिनी से हेल्प मांगता है और जब फिनी उसकी हेल्प करने लगता है तो वो आदमी उसे किडनैप कर लेता है। और जब फिनी की आंख खुलती है तो वो एक बंद रूम में होता है और उसके पास एक बिना वायर वाला पुराने जमाने का टेलीफोन होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही खतरनाक है और ये मूवी आपको अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि इस मूवी में उन बच्चों के लिए मैसेज दिया गया है। और दोस्तों इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी फिनी के साथ उस बंद रूम में होता है वो उसकी सिस्टर ग्विन को अपने सपनों में दिखाई देता है और फिनी को उस कमरे में उन सभी बच्चों की परछाइयां नजर आती है जो उस टाउन से गायब हुए थे और उन बच्चों की हालत बहुत खराब होती है और उस मिस्टीरियस आदमी का भी या ये कह लो उस होस्ट का भी कोई राज होता है। तो अब देखना ये है कि क्या ग्विन अपने सपनों के थ्रू अपने भाई को बचा पाएगी या फिनी भी उन बाकी बच्चों की तरह मारा जाएगा और उस मिस्टीरियस आदमी का क्या राज है और क्या उसकी मिस्ट्री है, ये सब हमें इस मूवी को देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 1 मूवी और बाकी मूवियों की तरह ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टॉप 5 हिंदी डब 2022 में रिलीज हुई बेस्ट फेमस सक्रिय हॉरर मूवीज। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।